700 ओके ओके विल गिव यू 700 मैम. हाँ थाउजेंड थाउजेंड दे दो. रात में मैंने कपड़े धोए वहां से आने के बाद, थका तो हुआ ही था भाई. वो कपड़ों के साथ ये चाबी दो दी. बंदे मारने वाली बस है. पैडल चलने वाले बंदे मारती है ये. पॉपुलेशन कम करने वाली बस. देख. टीटी मेगा मॉल नहीं है अपने गुड़गांव में, एमजी रोड पे. एमजी रोड के पे कह रहा हूँ भाई. बहुत सारी लैंड क्रूजर है यार, बहुत सारी लैंड. आज अलमाटी में अपना दूसरा दिन है, और दूसरा दिन नहीं, इनफैक्ट दोपहर हो रहा है और सुबह से मौसम ऐसा ही है भाई. आज धूप ही नहीं निकली है, पूरा क्लाउडी. सुबह सुबह जब मैं उठा तो रोहित भाई आए, एंड रोहित भाई कहे कि उनको दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे सारे ग्रुप वाले रुके हुए हैं. तो कुछ इश्यूज़ था जब, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र है तो उनको वो इश्यूज़ रिजॉल्व करना है, तो इसीलिए वो चले गए थे. और मैं फिर बैठ के सारा अपना वीडियो एडिटिंग वाला काम निपटा रहा था. अभी वो आ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी लेके गए थे तो वो आ रहे हैं. भाई एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया है. कांड ये हुआ है कि कल मैंने कपड़े धोए थे और कपड़ों के साथ मैंने गाड़ी की चाबी भी धो दी. एक्चुअली जैसे ये कारगोज पहन रहा हूँ ना, तो इस पैंट में चाबी थी, वो मैंने चेक नहीं किया. और सुबह जब मैं कपड़े पसार रहा था, मतलब सुखाने के लिए डाल रहा था, वैसे सूखी गया क्या ही भाई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाबी तो उसके जेब में ही है. देखते हैं अभी एक बार. देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है भाई. ये बेकरी मेरे को मिल गया था तो यहाँ से, आज भी मैंने यही लिया, कल ये लिया था. ये काफ़ी ठंडा ठंडा था और ये वाला खाने में सही है यार. काइंड ऑफ ब्रेडी है एंड एक अमेरिकानो ब्लैक कॉफी. या चलो बढ़िया है भाई. यहाँ पे सैलड वैलड का भी ऑप्शन है, लेकिन मीट कौन सा है ना वो पता नहीं है, इसलिए मैं सेफ साइड के लिए यही ले लेता हूँ और पानी का बॉटल उठा लूँगा. इधर बैठ के अपना देखो, प्लास्टिक में मिलता है यहाँ सारा खाना, तो यहाँ पे बैठ के खाता हूँ, रोहित भाई का वेट करता हूँ. तो वैसे खाने के लिए तो हमारे पास MTR भी था, दाल मखनी, राजमा, पर साला बनाएगा कौन. इसमें आज आलू भरा हुआ है, कल प्याज भरा हुआ था, आज इसमें आलू है. बड़ा समोसा है इनका, समोसा. खाना लेके तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये कारतोस्का, कारतोस्का लेके. अब रोहित भाई दिखे मेरे को तब तो, भाई दिख ही नहीं रहे. बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है ना, मौसम आज बहुत ठंडा हो गया है. ऊपर शायद बर्फ वर्फ पड़ी है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि तो यहाँ पे -38 तक टेम्परेचर जाता है. -38 समझ रहे हो साला, स्पीति के जितना. हाँ बहुत ठंडा होता है यार, बहुत ठंडा. अभी देखो ना भाई, सितंबर चल रहा है, साला जैकेट वैकेट पहन रहे हैं सब लोग, स्वेटर जैकेट पहन के निकल रहे हैं. सितंबर में ये हालत है. कल बवाल हो गया. क्या हो गया? ये जो चाबी आप देख रहे हो, कल रात में मैंने कपड़े धोए वहाँ से आने के बाद, थका तो हुआ ही था भाई. वो कपड़ों के साथ ये चाबी धो दी, मतलब इस पॉकेट में था और ये चाबी धो दी मैंने. भाई कार नहीं धोना है, चाबी धोना है ना? अरे मेरे को पता ही नहीं चला ना रोहित भाई. मैं सीरियसली, पता है क्या, मैं ना पूरा पैंट चेक किया. पैंट में क्या ना, कारगोज पहन रहा हूँ तो भाई कारगोज के नीचे भी ना इधर उधर कुछ ना कुछ रखे रहते हैं. और कल अपन ये इसीलिए तो आज ये लिया है कि वॉलेट इसीलिए वो लेके चलता हूँ. हाँ मैं सुबह चेक किया, मैंने कहा यार जब कपड़े सुखा, मैंने कहा टक टक क्या बज रहा है भाई, ये चाबी थी उसके अंदर. उस समय से मैं टेंशन में हूँ. देखो टोयोटा की गाड़ी तो मुझे पता है कि DF भरने के बाद भी साला 1000-1200 किलोमीटर चल गई, कुछ नहीं हुआ. क्या टोयोटा की सिर्फ गाड़ी अच्छी है, क्या टोयोटा का चाबी भी अच्छा है भाई, पूरा वॉशिंग मशीन. और सुनो, कल मैंने 80 डिग्री टेम्परेचर करके धोया, तो मैंने कहा कारगोज है 80 डिग्री पे धो. ये चाबी भी 80 डिग्री, मतलब जो बैटरी चार्ज हो गई जो वॉशिंग मशीन था ना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है. एक बार सबसे पहले हमें गार्ड को पैसे भी देने,
एक बार बगल वाली गली में जाएंगे, गाड़ी एक बार चेक कर लेंगे। दो दिन से मैंने गाड़ी नहीं देखी और ये गाड़ी ओपन करके भी एक बार देख लेंगे। मेरी गाड़ी पार्किंग में पार्क्ड है, इसलिए तो मैं वहाँ से निकाल नहीं रहा हूँ। मतलब कि उसको निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब कल निकालूंगा, कल मैंने अपना स्टे एक्सटेंड, कल पक्का आप लोग जा रहे हो? हाँ सुबह। ओके, तो मैंने तो अपना स्टे एक्सटेंड करा लिया भाई। अच्छा, मैं एक दिन और, अभी कल ना बहुत तगड़ा एक लोकेशन है, तो पानी देने वाला मशीन यहाँ भी लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये इसमें पैसे डालो और पानी निकलता है भाई, तगड़ा है। हर सोसाइटी में लगा रखा है, इसी सोसाइटी में एक एटीएम भी है, वहीं से पैसे निकाले थे। आज तो हमारा वाला एटीएम में पैसे नहीं थे। तीन सोसाइटी क्रॉस करके पहुंच गए, ये वाली के पीछे अपनी वाली है। उस दिन रात में यहीं पे गाड़ी, सोचो कितना भारी भारी सामान पैदल लेके गया था, वो भी तीन पैक्स। हाँ कसम, इतना बुरी हालत है ना इस गाड़ी की, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त। हाँ भाई, कौन सी गाड़ी है ये? नो नेम ओनली फ्यूरियस। चलो भैया, आज हम टैक्सी से घूमने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अपन क्या है ना कि कल रोहित भाई यहाँ से निकल, कल निकल जाओगे ना? कल सुबह छः बजे दस घंटे की ड्राइव। आऊँगा मैं, अलग से एक्सप्लोर करूँगा उस कंट्री को। अभी यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और यहाँ के ना आज आपको मॉल दिखाते हैं, ठीक है, कि मॉल में क्या हिसाब किताब है। क्या इंडिया से आप यहाँ पे आते हो तो आपको शॉपिंग सस्ता पड़ेगा, बराबर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कॉफ़ी लोगे क्या? हाँ ले लो, मॉल में पियेंगे। अच्छा, तो टैक्सी के लिए हमें किधर रुकना है? इधर। अच्छा, इधर तो उल्टा आ गया ना मैं, उधर जाना। हाँ उधर उधर चलते हैं भाई, देख लेते हैं भाई। सुनो आराम से। हाँ थैंक यू। चलो भाई, अच्छी बता रहा हूँ, इससे महंगी तो कनॉट प्लेस में। भाई मैंने जिस सोसाइटी में गाड़ी लगाई ना, तो उस सोसाइटी में क्या है कि मेरे को पार्किंग के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मैंने पाँच दिन के मैंने 5,000 टेंगे दिए, मतलब 875 रुपये दिए मैंने 5 दिन के। तो वही हम कह रहे थे भाई, इससे महंगी पार्किंग, और गाड़ी सेफ है, गार्ड के पास है। अभी हमने गाड़ी देख ली अपनी, ठीक है, अब बस टैक्सी का वेट कर रहा। मैं कह रहा था इनको कि यार ये टैक्सी है तो और क्या है। अरे भैया भैया, मेगा मॉल नहीं जाएगा भाई ऐसे। भाई बुक करो ना कैब। नहीं हो रहा है यैंडेक्स में, नहीं हो रहा है, कार्ड ही नहीं ले रहा किसी का नहीं हो रहा है। ओ भाई यैंडेक्स ऐप, ये तो यैंडेक्स नहीं है क्या? है यैंडेक्स में ही टैक्सी बुक होता है। नहीं वो तो मुझे पता है, ये गाड़ी कौन सी है, लेक नहीं गया मेरे को। ये तो मुंबई वाली फीलिंग आ गई, जहाँ पे गाड़ी खाली जा रही है, वरना नहीं गाड़ी खाली जा रही है लेकिन ले नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऑटो बुला रहा हूँ मैं, ऑटो भी नहीं चलता ना यहाँ पे। वो ले ले क्या? टैक्सी तो अपने को मिल नहीं रही थी और बारिश भी हो रही है, तो इधर अपनी गाड़ी है वही अपन ले लेंगे। क्या खा रहा है? मछली खा रहा है क्या? हाँ मछली खा रहा है भाई। गाड़ी उठा लेते हैं, चलो। यहाँ पैसे तो दे ही दिए 5 दिन के, कल भी उठानी है यहाँ से गाड़ी, तो आज ही उठा लेते हैं। मतलब आज उठा के वापस यहीं पे लगा देंगे रात में। मैं कह रहा था अपनी गाड़ी ले लो यार, उधर जा के लगा के। वो पहले बोला था ना बारिश उस समय नहीं हो रही थी। तो भाई गाड़ी अपनी ये रही और सामने ये रहा सोसाइटी, और अब यहाँ से निकलते हैं। हमने कहा गाड़ी लेके ही चलते हैं। अरे फोन क्यों नहीं कनेक्टेड? उस साइड वाला? हाँ। इस साइड वाला भाई, कैसी बातें कर रहे हो, भूल गए हो क्या? 3 दिन से गाड़ी नहीं चलाई। नहीं, गाड़ी यहाँ से आई थी उस टाइम, ये वाली जो निशान आई थी ना, यहाँ से आई थी। ठीक है चलिए, तो खोल ही देगा यहाँ वहाँ। अच्छा हाँ ठीक है, खोल देगा तो ठीक है, बढ़िया है भाई। हाँ खोल रहा है ना भाई। भाई यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 2-3 दिन से हम लोग गाड़ी नहीं चलाए ना, अब समझ में नहीं आ रहा किस साइड रोड के किस साइड चलना है, माइंड कंफ्यूज आ गया। बट ये सही है, मेरे को एक चीज सबसे अच्छी लगी भाई इस पूरे जर्नी में, जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो है अच्छा रूम, अच्छा स्टे। गलत ले लिए ना आप भाई, वो वन वे है। आप देखो सारी गाड़ी ऐसे लगी है, वन वे है। उस दिन मैं आया था ना, आप पहले इसमें उधर बता रहे थे इसलिए मैंने बोला, ये इधर से बता रहा है। अरे रोहित भाई आप मेरे पे यकीन नहीं कर पा रहे हो यार। नहीं ये पहले उधर बता रहा, अगले साल मैं भी ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा। हाँ हम लोग दोनों मिलके करेंगे, ठीक है, पक्का, मजाक में। हाँ, हाँ, और लेकिन भाई कम से कम 6 महीने का ट्रिप होना चाहिए, हम लोग दोनों मिलके करेंगे। हाँ, ठीक है, मैं तक अच्छे से एक्सप्लोर करके आता हूँ, आप रास्ता देख के जाओ,
क्योंकि आप लोग एक्सप्लोर तो कर नहीं रहे हो लेकिन अगले साल फिर से करेंगे ये ट्रिप, और अगले साल पता है कैसे तगड़ा करेंगे, छह मतलब कम से कम 4-5 महीने का करेंगे क्योंकि इतना टाइम चाहिए। चाइना में भी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे भाई। लोग कितना हड़बड़ा रहे हैं यार यहाँ पे, देखो पेशेंस नहीं, पेशेंस नहीं है। K7 कौन सी गाड़ी है, किया किया क्या, देखो अब भूल गया कि कहाँ जाना है। सीधा नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो पता है सीधा जाना है चाइना से लेके अभी तक कॉफी हर जगह, हर जगह हर जगह कॉफी। ये देखो ना इधर, नहीं ये कॉफी नहीं है, ये तो कुछ और सा है, बट हर जगह कॉफी का कल्चर हर जगह है। भाई ये जो सामने दिख रहा है ना, ये आपको एक मॉल दिख रहा है ADK, लेकिन यहाँ पे ना कल हमें 2 मॉल रेकमेंड किया गया, जैसे दिल्ली में अपने एम्पोरियो है, वैसे यहाँ पे एक मॉल है, क्या नाम था उसका, एसेंशिया। हाँ एम्पोरियो और एसेंशिया, एसेंशिया है जहाँ पे आपको सारे लुई विटॉन प्राडा वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, और एक दूसरा मॉल है जो कि बजट फ्रेंडली मॉल है जहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रांड्स मिलेंगे। तो आज पहले हम उसमें जा रहे हैं, और अगर हमारे पास टाइम रहा फिर हम एसेंशिया भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो सेंटर, मेट्रो ही है ना, मेगा सेंटर यस, मेगा सेंटर मॉल में जा रहे हैं, और मेगा सेंटर मॉल में जाके देखते भाई कौन से ब्रांड्स हैं, उनका रेट क्या है, और हिसाब किताब क्या रहता है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ताकि अलमाटी में अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप कहाँ जाओगे ये आप इजीली डिसाइड कर पाओ इस वीडियो को देख के। बाकी कजाकिस्तान में भी चाइना की तरह राइट हैंड साइड ड्राइव है, एंड राइट हैंड लेन में ड्राइव करते हैं। अरे देखा, ये चीजें आपको बहुत देखनी है भाई, यहाँ पे ना लोग आगे पीछे नहीं देखते, आप देखो ठीक है, किसी भी लेन में, जैसे चाइना में लोग बहुत सभ्य तरीके से लेन फॉलो करते थे, यहाँ पे इंडिया की तरह भाई जहाँ जगह मिले वहां घुसेड़। पीछे से DTC की बस आ गई, हरी बस DTC है, दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यमराज। हाँ यमराज, बंदे मारने वाली बस है पैडल चलने वाले बंदे मारती है ये पॉपुलेशन कम करने वाली बस। देख देखा कैसे निकाला भाई, क्लास मोमेंट कटिंग मारी है इसने, क्योंकि आगे एक बस थी, इसका कंपटीशन। लास्ट वाला सिग्नल तो गलती से मेरे से जंप हो गया ये सर्विस सेंटर है ना, सर्विस वगैरह कराना। लास्ट वाला सिग्नल में भाई, सिग्नल बहुत ऊपर लगा है, साइड में कहीं है ही नहीं, ऊपर आसमान में देख, अच्छा साइड में मेरे को दिखा नहीं फिर अरे मैं मैप देख रहा था यार, मैं क्या बताऊं यार, गलती हो गई मेरे मुंह से निकल के, गलती हो गई ना। किनारे एक लेन बना हुआ है पैदल चलने के लिए, हाँ ये बैरिकेड करके, टू व्हीलर हाँ, मतलब ये जो छोटे साइकिल्स है ना, साइकिल तो हट बहुत जगह है, बहुत जगह लगे हुए उस टाइप से बनाया हुआ है, बहुत वेल मेंटेन्ड सिटी है। कल रात में भी कितना सही लग रहा था, और हर जगह ड्रेनेज है, यहाँ बारिश होती होगी तो, अरे पुलिसिया और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा। कनाडा चलते हैं यार, कनाडा का वीजा मैं अप्लाई, मेरी सिस्टर है ना वहाँ पे, कनाडा में ना बहुत, आप ना कैरावैन लेके, वहां से कैरावैन रेंट करके, कैरावैन तो नहीं ले जा सकते इंडिया से, अमेरिका नहीं कनाडा, अमेरिका में भी है बट अमेरिका का, यूएस का वीजा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मेरी सिस्टर है तो कनाडा का वीजा तो मिल जाएगा, यूएस का ही मिल जाएगा, मतलब वो उसका ऑफिस तो वहीं पे है, बट देखते हैं वो एक बार ना, उसका भी कुछ प्लान करते हैं। अब मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप का चस्का चढ़ गया है जब से मैं नेपाल आया हूँ ना ये हमारे सामने जा रही है टोयोटा की 4Runner, हाँ भाई इतनी सारी, और कितनी पुरानी है यार ये गाड़ी ना, 4Runner भाई। टोयोटा वाले भाई तो जितने भी यहाँ पे मिले ना, सब देख के ना ऐसे हेलो हाई करते रहते हैं यार, मजेदार भाई मजेदार। ये DTC नहीं लग रहा है मजाक नहीं, मतलब मजाक से हटके, जब मैं पहली बार अलमाटी को, तो मैंने कहा रे दिल्ली आ गया क्या फिर से DTC चल रहा है। ये देखो गाड़ी धोने के लिए, यहाँ पे कार वॉशिंग का सेंटर बहुत सारा है यार भाई, गलत लेन में चल रहे हैं ना, जो जिस लेन में गाड़ी रुकी रहती है हम उसमें लग जाते हैं फिर सारी चलती रहती है, हम रुके रहते हैं भाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार बाहर कंट्रीज में आके ना, थोड़ा लेन वेन का आपको ना हिसाब किताब समझने में, और स्पेशली सिटीज में। हाईवेज में तो उतना टेंशन नहीं है भाई, हाईवेज में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको पीछे आगे पीछे गाड़ी नहीं है तो आप सेंटर लेन में भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा रियर व्यू देख वेख के चलाता हूँ भाई। ये यहाँ पे ना गलत सिचुएशन है, देखो मुड़ने के लिए ना सामने से भी गाड़ी आ रही है, और हमारा भी ग्रीन है, तो अब जब तक ये वहां से गाड़ियां रुकेंगी नहीं, अपना वाला लेन जो है ना वो मुड़ नहीं सकता। यहाँ पे भी देखो चाइनीज गाड़ियां चल रही है काफी, हैवेल वगैरह चल रही है, हमें चाइना में मर्सिडीज वगैरह थोड़ी कम दिखी, चाइनीज गाड़ी या फिर टोयोटा, चाइनीज गाड़ी से भी ज्यादा टोयोटा था। हाँ।
मेरे को स्पैम कॉल्स ने इरिटेट कर दिया है, इनको समझ भी नहीं आ रहा इंटरनेशनल रोमिंग पे 1,00,000 रुपए दे चुका हूँ। मुझे भी बहुत आ रहा। यहाँ सिग्नल नहीं था ना? नहीं था तो टपा दिए। नहीं था। अच्छा हॉर्न देख रहे हो आप, हॉर्न कहीं नहीं बज रहा है, कहीं नहीं। मेरे तो गलती से कभी कभी दब जाता है, क्योंकि इंडिया वाले आता था कि भाई पता चले लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हट रहे हो, ये ऐसा कि भाई हाँ देखो गाड़ी आ रहा है, ध्यान से चलो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तू जिस ये तो रेडार बॉट की तरह है। पुलिस बताता है, पुलिस आ रही है कि नहीं? यही बाहर लगा देंगे गाड़ी। ये बाहर कहाँ है? बाहर पार्किंग, फूल कुमारी के पास। अरे ये चलती हुई फूल कुमारी लंदन आई। इसी का जूम करके फोटो लेके डाल देते, लंदन पहुंच गए, लंदन आई। भाई सामने एक लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट दिख रही है, क्या जबरदस्त लग रही है ना, व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। हाँ लोगो व्हाइट। हाँ अभी जब मेरी गाड़ी पहुंचेगी ना इंडिया, ये वाली, तब आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और क्योंकि पता है क्या भाई, लोग भी क्या सोचेंगे ना, दो दो LC एक साथ। हमने सेफली पार्क कर दी है वहाँ पे, अब आगे चलते हैं। ये है यहाँ का मेगा मॉल, DT मेगा मॉल नहीं है अपने गुड़गांव में, MG रोड के पे कह रहा हूँ। भाई बहुत सारी लैंड क्रूजर्स है यार, बहुत सारी लैंड, बहुत सारी लैंड क्रूजर्स है यार यहाँ पे, तगड़ा। तो भाई पीछे से देख के खुश हो रहा है ना? हाँ भैया लैंड क्रूजर चला रहे। हाँ भाई देखो, टोयोटा लेक्सस साला भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। ये आ गया लंदन का जाइंट व्हील। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है। तो मॉल भी, हर शहर का ना मॉल भी आपको घूमना चाहिए, इससे पता चलता रहता है कि भाई शहर कितना डेवलप्ड है। आप किसी को ना, कोई अगर इंडिया आ रहा है ना, उसको इम्पोरियो ले जाओ, मतलब भाई खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कह रहे यूरोप जैसा माहौल इंडिया में। चलो अच्छा है, अभी चलते हैं आगे। अच्छा लग रहा है यार, वेदर बहुत अच्छा है। और कल रात में हम ये सारी जगह पे घूम रहे थे, रात में हाँ अली भाई के साथ। काफ़ी बड़ा है ये, हाँ स्टॉक मार्केट दिख रहा है सही में। ओहो इसके तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। कल भाई मिले थे कुछ गुजरात से, यहाँ से ये कर रहे हैं बेसिकली मेडिकल कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था इस मॉल के बारे में। हमारे मोज़े ख़त्म होते जा रहे हैं, पैक ऑफ थे हाँ ये, लेकिन अरे ख़त्म मतलब कि गंदे, आज तो खैर मैंने धो दिए हैं, लेकिन ये भी एसेंशियल्स हैं, पैक ऑफ 3। ये अपना दो चीज़ें ली थी, एक टी शर्ट एक स्वेट शर्ट। ये अपना बिल आया 42,950। ओके थैंक यू। चलो भाई अब एक बगल में हमने वो देखा है, चश्मे की दुकान। भाई चीज़ें स्टफ बहुत अच्छा है, बट कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर, बट स्टफ बहुत अच्छा है। वहाँ पे हम चश्मा देख रहे थे, और Ray-Ban के नॉर्मल चश्मे ना 24,000 और 25,000 रुपये के मिल रहे हैं, मतलब 1,38,000 1,28,000 टेंगेज। तो ये मुझे महंगे लग रहे हैं, बिकॉज इंडिया में ना इससे सस्ते में मिलते हैं, तो चश्मों का रेट तो थोड़ा डिफरेंट है। खाना भी इसी मॉल में कहीं पे खा लेंगे ना, इनका फूड कोर्ट कैसा है। हाँ मतलब शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एक बंदा करना चाहता है, ठीक है। मैं तो स्ट्रीट शॉपिंग भी इनकी देखना चाहता था, बट ठीक है यार। आपने मुझे वो ओवरकोट क्यों नहीं लेने दिया आपने? कहा है ना स्टोर्स। अच्छा नहीं तो फिर वो ओवरकोट ले लेंगे, अच्छा लग रहा था मुझे वो ओवरकोट। चलो बहुत सारे शॉप्स हैं यार, बहुत अलग अलग ब्रांड्स भी हैं जो हमने कभी सुने नहीं। मैं लग रहा था कि ये मॉल बस ऊपर देखो कुछ है नहीं तो ख़त्म, भाई एक्चुअली नीचे 20 फ्लोर्स हैं, और ये लंबाई में बहुत बड़ा है यार, ये इधर भी है ना, ये पूरा आगे तक है। और अभी अपन जा रहे हैं H&M में, देखते हैं वहाँ पे क्या स्टफ है क्या नहीं है। बाकी सही है यार, इन्होंने ऐसा घोड़ा गधा सब बना रखा है। और खाने पीने इनका फूड कोर्ट पता नहीं कहाँ पे है। रियली लाइक दिस कैप। तो आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला? नहीं एक ये वाला एंड एक तो ओके दिस इज काइंड ऑफ ये वाला, तो ये मेरे को उतना जम नहीं रहा, थोड़ा सा अंकल टाइप लग रहा है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आई विल टेक दिस वन ओके आई विल टेक दिस वन या एक
इस शॉप में हम गुजरे औकात के बाहर, भाई वहाँ एक दो बैग पसंद आए, ठीक है 3 लाख टेंगे और 4 लाख टेंगे, बट जो बैग से बहुत अमेजिंग। बट यार औकात के बाहर ही थी भाई, जब नहीं लेके आए ना तो औकात के बाहर ही आए। आओ नॉर्थ फेस चलें, नॉर्थ फेस का जैकेट लेंगे भाई। ये है सही ब्रांड, हाँ विंटर के लिए बेस्ट है, 20% ऑफ भी है भाई। उनमें ऑफ नहीं था यार, इटली का वॉलेट में ऑफ था भाई, वो इटली का ब्रांड है तो इटली जाके ले लेंगे, इटली हम वैसे भी जा रहे हैं भाई। अपने इंडिया में जितना भी नॉर्थ फेस का सामान आता है वो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि सारा नकली होता है। अगर आपको लेना है तो इधर अलमाटी आ जाना भाई। यहाँ पे स्टफ तो बहुत अच्छे हैं, जैकेट्स इतने मस्त हैं, इतने मस्त है ना, और इतने लाइट वेट जैकेट है ना, एंड स्पेशली विंटर्स के लिए तो भाई, क्योंकि यहाँ पे विंटर पड़ता है ना तो बहुत सही स्टफ़ आता है। अपने यहाँ तो ऑफिशियली कोई स्टोर ही नहीं है यार, कोई स्टोर ही नहीं है ऐसा नॉर्थ फेस का भाई, बहुत सही है। और ये जैसे ये बता दो, एक प्राइस आपको रेंज दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि यहाँ पे क्या है भाई, इसका तो प्राइस ही नहीं लिखा है कहीं पे। ब्रेड्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यार, लेकिन ना आधे ब्रेड्स में हाँ लैटरीना, अरे वो सही पढ़ना ज़रूरी है भाई यहाँ पे ना, सही लग रहा है ये, आप खा लो ना, ब्लूबेरी है। मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि खाने का मन तो बहुत कर रहा है, मीठा होगा यार, मीठा तो भाई देख के बहुत टेम्पटिंग है यार। और ये देखो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें बड़ी सस्ती है यार, ठीक है 1900-1800 इंडिया में, यही अगर आप कोई भी मफिन या कुछ भी लेने जाओ 1300-1300 टेंगे का मफिन है, ठीक है मफिन्स लो ना मफिन्स खाओगे। देखो 4200 का ये हमने जो कैप लिया वो 4200 का कटा, और जैक एंड जोन्स से जो हमने कपड़े लिए 7500 के, ठीक है। ये विड्रॉल इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल, अच्छा कैश विड्रॉल के भी चार्जेस लग रहे हैं, 425 रुपये लगे हैं कैश विड्रॉल के चार्जेस, ये तो साले बाद में लग रहे हैं है? चलो कोई नहीं, CGST भाई ये मिला जुला के ATM कैश विड्रॉल, अच्छा दो बार हमने कैश, स्टार्ट इज नॉट दैट गुड, सब किया गया अच्छा नहीं है। एक बार मफिन्स देखते हैं, जैसे तो ये नॉर्मल मफिन्स है भाई, ये नाइफ नहीं देते, इसमें भी ब्लूबेरी है थोड़ा सा, और ये कॉफ़ी है अमेरिकानो। एक और हमने डीजल का ये बैग लिया है, ठीक है ट्रैवल के टाइम पे अपने को यूज़ होगा, ये है 78,000 टेंगा, चलो बढ़िया है भाई, तगड़ा शॉप है ये। चला के अपन ने शॉपिंग कर ली, एक CK का भी एक मस्त सा अपन ने सामान लिया है तो, अरे यहाँ कॉफ़ी मग मिल रहा है, तो हर एक मॉल में फूड स्ट्रीट रहता है ना, वैसे ये इनका फूड स्ट्रीट है भाई, ठीक है मतलब फूड कोर्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए तो वो सब आप ले सकते हो। बड़ा मॉल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है, एंड वॉशरूम बहुत कम है, एक हमें दिखा है बहुत खोजने के बाद, तो हम गलती से वॉशरूम खोजते खोजते इधर आ गए थे। चलो ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे कल जितने रेस्टोरेंट में मैं गया ना तो मेल फीमेल का वॉशरूम सेम था, मतलब सेम मेल फीमेल सेम, जैसे इंडिया में क्या अपना अलग अलग है, यहाँ पे ना सेम है। तो ये चाइनीज़ का जो ब्रांड है हैवल, और इसका ड्रैगनो एक्स, इसका प्राइस कितना है, ये टेक प्लस 2.2 लीटर 4-व्हील ड्राइव DCT ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, ये है 27.5 लाख रुपए की। भाई इंटीरियर्स देख ले एक बार, अच्छा सॉरी साला उधर से देख रहा हूँ ना, इसमें तो इंटीरियर्स इधर से देखना पड़ेगा, मिला जुला के 27.5 लाख। एक बार अंदर आप देख लो यार, ये देख लो ये सीट है, और इधर से तो दिख ही नहीं रहा, और ये है कुछ अंदर से इसका इंटीरियर्स, सही लग रही है हाँ, और 4-व्हील ड्राइव है ये, चलो बढ़िया है। मेरे को कौन सा लेना है वो तो मैं आपके लिए यहाँ पे रुक गया था दिखाने के लिए, पीछे से भी सही लग रही है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है अप्रोच और डिपार्ट एंगल इन गाड़ियों में ना। अरे रोहित भाई कहाँ चले गए? अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूँ तो भाई यहाँ का जो स्टफ़ है, देखो मैंने शॉपिंग तो की है और सारे ब्रांड्स भी घूमा, यहाँ का जो स्टफ़ है वो बहुत अमेजिंग है, इंडिया में ऐसा स्टफ़ नहीं आता, बट यहाँ का जो रेट है वो इंडिया के कंपैरिजन में महंगा है, सो इट्स कॉस्टली। और जो भी आप लेते हो इंडिया के रेट से अगर कंपेयर करोगे तो रेट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। हमारी गाड़ी किधर थी? गाड़ी उधर है, बारिश तगड़ी वाली हो रही है। तगड़ी कहाँ हो रही है? हमें तो नहीं दिख रहा तगड़ी बारिश।
अरे लंदन आई रुक गया, बोल रहे बारिश। अरे लंदन आई तो पहले भी रुका। सुनो ना गाड़ी का मजाक करो, मजाक नहीं, गाड़ी उस साइड है जहाँ वो गाड़ी की। अच्छा आ जाओ भाई, देखो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कल हमने दिखाया था कि यहाँ से आईफोन वगैरह लेना सस्ता है, बट यहाँ पे आप अगर ब्रांडेड कपड़े ले रहे हो तो इंडिया के प्राइस में, मतलब हमें हर चीज़ को टेंगा से इंडिया में कन्वर्ट करे थे INR में, और चीज़ें हमें महंगी लगी। सुपर ड्राई इज़ एक्सपेंसिव, जैक एंड जोन्स इज़ एक्सपेंसिव, डीजल इज़ एक्सपेंसिव। हाँ ये जो बैग ओरिजिनल प्राइस है ना, इस जो मैंने स्लिंग बैग लिया वो 37,000 रुपीज़ का है, अपने को 16,000 या 17,000 रुपये में मिला है, बिकॉज इस पर 50% ऑफ था। ठीक है तो पहले तो हमने पता है क्या, छोड़ो ये क्या ही, हाँ खुश हो गए थे, ओ भाई 50% ऑफ डीजल पे, पता चला साला 37,000 रुपीज़ का बैग था वो। अब तो मैं यूज़ करते वक्त भी ना ये हिचकिचाऊंगा ना कि इतना महंगा बैग कहीं कटवट लग गया भाई, लेकिन लेदर बहुत मतलब स्टफ़ जो है ना बहुत अमेजिंग स्टफ है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पता चला है, एंड वो इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत दिन से ब्रेड्स वगैरह खा के ना, मतलब आज प्रॉपर चिकन और दाल मखनी खाने का मन है। यहाँ से अब निकलते हैं, ये चला, ये घूम क्यों नहीं रहा है, जब आए थे तब भी रुका था, अभी कोई चढ़ नहीं रहा है क्या इसमें बारिश में? यहाँ इंडिया में रहता तो साला घुमा घुमा के मोटर खराब हो गया। हाँ मोटर खराब हो गया यार। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कैसे निकलना है। यहाँ तो यहाँ से निकलना है, इस गाड़ी के पीछे लगा लूँ। ये देखो ये इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है, अपने कलकत्ता में जैसे ट्राम होता है ना, ये इलेक्ट्रिक बस है साला। लेकिन इस अगर टेढ़ा मेढ़ा चला दिया तो ऊपर से तो बिजली का लाइन ही निकल जाएगा। इस टाइम हम टोल पे आए हैं, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो, पूरा अंदर लगाओ ना। कहाँ अंदर लगाओ, मुझे नहीं पता। अब भैया कोई, लेकिन ये स्कैन तो हो गया, अब करना क्या है? स्कैन कहाँ हुआ? स्कैन वहाँ हुआ, हो क्या बता रहा है? कुछ तो उधर लिखा हुआ 0003 बता रहा है, खुल क्यों नहीं रहा है? फिर से स्कैन करो ना, इनसे पूछो ना भाई क्या कैसे। इनको भी नहीं पता। अरे दो दीदी आ रही हैं, दीदी से पूछो यार। अरे पूछ लो। अच्छा इस बार ऊपर कर लिया। Excuse me, can you let me know how do we pay this? They have the भाई, ये तो मॉल में आना गड़बड़ हो गया भाई। can you make payment? We'll give you cash. Is it possible? Okay. How much is the bill? I don't know. Can I get your number? 0003. It's a India car number. It's not a local. It's not a Kazakh car. It's a India car. अरे भाई पीछे जाम लग गया भाई। It's 700 singer. 700, ओके ओके, विल गिव यू 700 मैम। हाँ 1000 दे दो। थैंक यू। आई हैव नो। दैट्स ओके। थैंक यू। सो यू हैव टू स्कैन दिस। ओके। अगेन, या। आफ्टर द पेमेंट यू हैव टू स्कैन दिस। भाई, ओहो खुल गया। थैंक यू। हैव अ गुड डे। सॉरी नाइट, गुड डे। चलो भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। पीछे पूरी लाइन लग गई थी, पूरी लाइन। स्कैनर नहीं तो कार बाहर नहीं। हाँ सीरियसली, वो तो भला हो, मैंने कहा था पूछ लो, दो दीदी आ रही हैं। ये देखो ये टेढ़ा होता रहता है, हाँ लेफ्ट राइट ऊपर जो है ना ये घूमता रहता है, इसके पीछे ही चलना है अपने को। भाई जाने दो। हाँ हाँ चल रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा डर भी तो लग रहा है। पीछे से हॉर्न बजा के भाई देखना भी तो पड़ रहा है कि कहाँ पे रुकना है कहाँ नहीं। यहाँ पे लोग लेकिन थोड़ा ज्यादा इम्पेशेंट है। हाँ जैसे चाइना में इतना कब कोई हॉर्न नहीं बजाया, कोई नहीं, वहां भी डरते थे थोड़ा सा भाई, राइट से करना है तो थोड़ा सा तो डर लगेगा ना भाई। देखो दिख ही नहीं रहा भाई।
इसीलिए तो डर लग रहा था कि भाई कोई नहीं दिखे तो दिख रहा है नीचे गाड़ी के नीचे। फिलहाल अपने को पार्किंग तो मिल गई है, ऐसे ही रोड के किनारे गाड़ी पार्क करते हैं और गाड़ी अच्छी लग रही है, एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो खोज के हमने ना तंदूर इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा कर रहा है, वैसे तो बाहर भी बहुत सारे सीट्स हैं बट आज मौसम बाहर बैठने लायक है नहीं। काफ़ी पार्किंग थी यार, यहाँ भी लगा सकते थे बट ठीक है यार। हाँ फाइनली भाई हमने मसाला पापड़ ऑर्डर किया था, 100 टेंगे का है, 1000 टेंगे का, और मतलब ऑलमोस्ट मान लो 1000 टेंगे कितना हुआ भाई, 200 एंड थोड़ा सा ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं से कच्चा है बट चटर पटर पापड़ खाने में जो भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में बैठ के खा रहा ना। ये देखो अपना चिकन टिक्का मसाला मैंने मंगवाया और नान मंगवाया और उसके ये चिकन टिक्का मसाला और एक शेजवान फ्राइड राइस। भाई चाइनीज़ क्यों, चाइनीज़ खाने का मन था? नहीं रोटी खाने का मतलब मेरा तो रोटी खाने नहीं खा पाता मैं इतना क्योंकि वहाँ पे भी हमने खाया था ना। हाँ भाई तगड़ा चिकन तो अच्छा लग रहा है, खाना स्टार्ट करें फिर आपको यहाँ का बताएं। अस्ताना से बॉर्डर बहुत दूर है। हाँ अस्ताना से बॉर्डर बहुत दूर है, 1500-1600 किलोमीटर। हाँ तो मेरे पास टाइम है ना, मैं आपकी तरह रोड नापने थोड़ी ना रोहित भाई, आप तो रोड नपवा रहे हो सबको। अगले साल लेकिन जो करेंगे ना भाई कम से कम 4 महीने का करेंगे। आउट ऑफ 10 क्या रेट करना चाहोगे अपने खाने को? 4 अच्छा नहीं है, मैं 7 भाई, थोड़ा सा ग्रेवी में हल्का सा वो है, अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड फॉर मी, मतलब मेरा ज़्यादा अच्छा है। चलो आपका सच्ची में उतना अच्छा नहीं है, आप टेस्ट करो। नहीं मैं चावल नहीं खाता। ये है मसाला पापड़ 2000, चिकन टिक्का मसाला 3300, तंदूरी प्लेन नान 600, सेजवान फ्राइड राइस 2200 और चिकन बिरयानी एक पार्सल है। ये टोटल हमारा जो बिल है 12,500, 12,500 टेंगा है भाई। 9 बज गए? हाँ नहीं 9 नहीं, अच्छा यहाँ के इंडिया में तो और ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हाँ ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। तंदूर ओके है, मतलब आपको इंडियन खाने का थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा लेकिन इंडिया जैसा नहीं मिलेगा, मतलब वो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट मत करना। बाकी अभी यहाँ से चलते हैं अपना घर, 5.5 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर के लिए 23 मिनट्स दिखा रहा है। आज बारिश हो रही है ना तो जैम वैम थोड़ा सा हल्का फुल्का लगा हुआ है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं और कल अपन जा रहे हैं कोलसाई लेक, यहाँ से 200 किलोमीटर का ड्राइव है और काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। यहाँ पे एक लेक है बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तो वहाँ पे अपन जाएंगे, यहाँ से यू टर्न मारना है। भाई पहुँच गए और आज मैंने अपनी पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाई, यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गई थी और ये सारा जो MTR वाला खाना है ना नहीं इसको सुला के रखते ज्यादा आ जाएगा। अच्छा तो ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, उतना काम से खाना खा लूंगा मैं। नहीं मतलब एक ही डब्बे में सारा आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है 5 हाँ 6 तो ये बेसिकली हम लेके जा रहे हैं क्योंकि रोहित भाई तो ग्रुप नहीं छोड़ सकते भाई, और मेरा जो प्लान है मेरा, मैं कजाकिस्तान, ये लोग कल निकल रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, इनका हो गया तो मैं लंबा जा रहा हूँ, तो मैं ना ये सारे खाने अपने पास इसलिए रख रहा हूँ ताकि अगर मेरे को चाहिए तो ये जीरा राइस और राजमा वगैरह दाल फ्राई वगैरह खा लूँ, राइस और इसको बस गरम करना है और गरम करके खा लेना है। पनीर वनीर हटा दिया, ये क्या है टोमेटो राइस? नहीं टोमेटो राइस नहीं। अच्छा है। नहीं नहीं ठीक okay, से जाना विकास भाई। हाँ ठीक से जाना, मिलेंगे वेरी सून वेरी सून। हाँ भले यहाँ नहीं मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, इंडिया में और अगले साल साथ में करेंगे। यस यस जो हमने अभी डिस्कस किया ना एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजिकली। हाँ 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 और घूमने के लिए करेंगे, के लिए। सिर्फ डिस्टेंस नापने के लिए नहीं करेंगे, ओला उबर नहीं बना। हाँ। रोहित भाई तो चले गए और कल वो लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो मिला जुला के अपना जो अब रास्ता है वो अलग अलग हो गया है। बाकी ठीक है यार, रोहित भाई को बिग थम्स अप, बहुत मज़ा आया उनके साथ मेरे को बात करके, साथ में रह के बहुत मस्ती की हमने, ऑफ द कैमरा भी बहुत मस्ती की। एंड अगले साल जैसा मैं बता रहा था अगले साल भी हम कुछ अलग सा प्लान करेंगे। एंड अब ये देखो एक बार इंटरनेशनल करने का आपको चस्का चढ़ जाता है ना, तो फिर तो आप हर साल ही करते हो। बाकी अपन थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे काम,
और आज जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह 7 बजे उठना है और एक भाई आ रहे हैं उनके साथ, अपने को एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे जाना है जो मैं मिस नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा, आपको पता चला कि भाई आपको कजाकिस्तान में शॉपिंग करनी है या नहीं करनी है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।